हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है अगली ब्यूटी। इस ड्रामा में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सस्पिशियस हो जाती है इसमें डबल रोल की वजह से। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है जी चेन मो। वो एक कार ड्राइव कर रहा होता है। एक्चुअली वो लोग स्टोरी की खोज में कहीं जा रहे होते हैं। उसका दोस्त उसे एक पिक्चर दिखाता है और बोलता है, ये ली जूफेई की 20s की पिक्चर है, देखो ये कितनी सुंदर थी। उस टाइम की फीमेल स्टार्स ज़्यादा सोचती नहीं थी, बस उन्हें शादी के लिए एक रिच मैन मिल जाए। यंग एज में ही अपनी एक्टिंग छोड़ देती थी। अब देखो इनकी पूरी करियर बर्बाद हो गई और हस्बैंड ने चीट किया सो अलग। चेनमो बोलता है कि इनके 20 इयर्स तक एक्टिंग इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद क्या ये प्रॉफिटेबल है कि हम इन्हें शूट करें। उसका दोस्त बोलता है कि पैसे की बात मत करो, मैं खाने को खाना और रहने को जगह दे रहा हूँ, वही काफ़ी है। चेनमो बोलता है, बट मुझे पैसे की ज़रूरत है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है। वो उसे फॉलो करने लगता है। उसका दोस्त उससे रीजन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चेनमो बोलता है कि इस कार का नंबर देखो, ये वही स्टार जूफेई की कार है। एक्चुअली होता ये है कि उनके पास गाड़ियों के नंबर वाली एक बुक होती है। चेनमो की मेमोरी काफ़ी शार्प होती है, वो सारा नंबर याद कर लेता है। उसका दोस्त बोलता है कि ये बुक बहुत ही पुरानी है, सो उस कार को फॉलो करना बंद करो, और वो रुक जाते हैं। तभी उनके बगल से इस ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस क्रॉस करती है जिसका नाम है याओ मेंगुई। वो एक टैक्सी में होती है। चेनमो बोलता है, ऐसा लगा जैसे मैंने मेंगुई को देखा। उसका दोस्त बोलता है, ब्रो ये 2020 का टाइम है, यहाँ सेलिब्रिटीज टैक्सी लेना पसंद नहीं करते, ये ज़रूर तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा। सीन शिफ्ट होता है और एक स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक ड्रामा होने वाला होता है तो सारे लोग इसी की तैयारी में लगे होते हैं। इस ड्रामा में एक्टिंग करने वाले मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है सोंग ची। उसके पास लीड वन आती है जो कि एक एक्ट्रेस है। वो सोंग ची को एक बुके देते हुए उसे गुड लक विश करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि चेनमो को एक सस्पिशियस वैन दिखता है। वो उसे फॉलो करता है और अपने कैमरे से उस वैन को शूट करता है। उस वैन में एक्ट्रेस जूफेई रहती है। वो उसकी ढेर सारी पिक्चर्स लेता है। देन उसके दोस्त की कॉल आती है। वो बताता है कि मुझे एक्ट्रेस जूफेई की पिक्चर्स मिल गई हैं। वो पिक्चर्स देख ही रहा होता है कि उसके बगल से मेन लीड एक्ट्रेस याओ मेंगुई क्रॉस करती है। चेनमो उसे आवाज़ लगाता है बट वो वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस मेंगुई की ऑफिशियल एंट्री दिखाई जाती है। वो स्टूडियो जा रही होती है। अगल बगल सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वो स्टूडियो आती है और रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर सोंग जो होने वाले ड्रामा के लीड रोल में थे उसकी हेल्प करते हैं और बताते हैं कि रेस्ट रूम कहाँ है। वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक लड़की बोलती है कि ये कितनी रूड है, कितनी बार रिहर्सल के लिए यहाँ आई है, बट इसे ये भी नहीं पता कि रेस्ट रूम कहाँ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेंगुई रेस्ट रूम में आती है। वो अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी ली डुआन वहाँ आती है। एक्चुअली वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। मेंगुई बोलती है, तुम यहाँ मेरा ड्रामा देखने आई हो, मैं अभी ड्रामा के लिए मूड बना रही हूँ, सो तुमसे बाद में मिलती हूँ। बट डुआन अंदर आ जाती है। चेनमो इनकी बातें सुन रहा था। डुआन बोलती है, मुझे लगता था हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रामा के लिए चीयर करने यहाँ आई थी, बट तुमने तो मुझे पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया। उसके हाथ में एक बुके रहता है जो वो मेंगुई के लिए लेकर आई होती है, बट गुस्से में उसे फेंक देती है। मेंगुई उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। बस यही सब को लेकर इनका छोटा सा झगड़ा हो जाता है। चेनमो इन दोनों एक्ट्रेसेस का झगड़ा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और ड्रामा स्टार्ट होता है। मेंगुई एक झूले पर बैठी होती है। पर्दा हटता है। वो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। तभी मिस्टर सोंग की एंट्री होती है। मेंगुई अपने सारे लाइंस भूल जाती है। मिस्टर सोंग उसकी हेल्प करते हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाइंस को चेंज कर देते हैं। मेंगुई कंफर्टेबल होती है। देन वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हैं। अचानक से वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। उनके ऊपर एक हेवी सा कुछ गिरने वाला होता है। तभी मिस्टर सोंग मेंगुई को वहाँ से धक्का दे देते हैं और वो हेवी मटेरियल आकर उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। वहाँ हलचल होने लगती है। ये सब देखकर मेंगुई वहाँ से पीछे के रास्ते से भाग जाती है। मिस्टर सोंग को ज़्यादा चोट नहीं आती। उनका असिस्टेंट उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है इनकेस कोई इंटरनल इंजरी हो।
आगे हम देखते हैं कि चेन मो एक शॉप में बैठकर कुछ खा रहा होता है और फोन पर किसी से बोल रहा होता है कि मैं एक वीक के अंदर आपके पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा। वो अपने सामने से मेंगुई को क्रॉस होते देखता है। वो उसे फॉलो करने लगता है। वो भागती है, उसके पीछे ये भी भागता है। भागते भागते दोनों आपस में टकरा जाते हैं, दोनों गिर जाते हैं। चेनमो के हाथ में कैमरा होता है, कैमरा गटर में जाकर गिर जाता है। मेंगुई वहाँ से भाग जाती है। चेनमो गटर के पास आता है, काफ़ी सैड होता है और सोचता है कि एक्ट्रेस जूफेई के पिक्चर्स, दो एक्ट्रेसेस का झगड़ा, अब मेरे पास कोई भी बिग न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चेनमो अपने घर आता है। वो देखता है कि उसका सारा सामान उसके रूम से बाहर रखा हुआ था। वो सोचता है कि आज का दिन कितना अनलकी है, कैमरा भी गया और न्यूज़ भी। तभी उसे एक कॉल आता है, वो भागकर हॉस्पिटल जाता है। एक्चुअली उसके लैंडलॉर्ड की एक बेटी होती है जिसे कोई बीमारी रहती है, उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। चेनमो को देखकर वो गेट खोलती है। उसकी कोई सर्जरी होने वाली होती है जिसमें काफ़ी पैसा लग रहा था। चेनमो के पास 3,000 युआन होता है, वो एज अ रेंट उन्हें दे देता है। आगे हम देखते हैं कि मेंगुई किसी का डिलीवरी लेकर जाती है। वो 9 सेकेंड लेट रहती है तो सामने वाला आदमी उसे काफ़ी कुछ सुना देता है। मेंगुई सोचती है, ये मेरी लाइफ है, यहाँ ना कोई ग्लैमर है ना ही कोई फेम, बस ढेर सारा पसीना और कभी ख़त्म ना होने वाली प्रॉब्लम। वो सोचती है कि जो लड़की स्टेज पर थी वो मैं थी, और जो फूड डिलीवरी करने आई थी वो भी मैं ही थी। मैं हूँ जियाओ मू, एक डरपोक सी लड़की। एक्चुअली इस शो में फीमेल का डबल रोल दिखाया गया है। इसकी बहन कहीं चली गई है, सो ये उसकी जगह उसका रोल भी प्ले कर रही है। सीन शिफ्ट होता है और ली डुआन को दिखाया जाता है। वो अपने घर में इधर उधर टहल रही होती है, सडनली विंडो से नीचे जंप कर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसका रीजन हमें आगे के एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आगे हम देखते हैं कि चेनमो अपना सामान लेकर सड़क पर बैठा रहता है, काफ़ी थका और परेशान दिखाई देता है। वो पानी पी रहा होता है, तभी वहाँ से लीड एक्ट्रेस क्रॉस करती है। उसके हाथ में भी एक पानी का बोतल रहता है। उसे लगता है कि चेनमो कचरा वाला है, तो वो अपना खाली पानी का बोतल उसे देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से इन दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, मैं बाकी के एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी जल्दी अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।